नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर जा रहे हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर पहली बार 10 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर विशेष विमान से लैंड करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के साथ शहर के मूवमेंट के लिए 3 MI-17 हेलीकॉप्टर की फ्लीट भी चलती है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर किसी भी खतरे से लड़ने में सक्षम होते हैं और ऐसे में राष्ट्रपति आज चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद वो मेहरबान सिंह का पूर्वा में हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचेंगे। वहीं कल राष्ट्रपति HBTU में के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही शहर प्रवास के दौरान वो ज्यादातर आगमन हेलीकॉप्टर से ही करेंगे। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति का आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे सर्किट हाउस में करीबियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा गया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति से मिलने के लिए 24 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट भी दिखानी होगी। ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शहर आएंगे और कल 1 बजे चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज और कल वो कानपुर में रहेंगे और कल शाम को कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।